Once again, welcome back, students. This is part two of this series. Here we will mainly start from the digestive system. Okay, here first we understand what the main of it and how our digestive system perform. But before we start this lecture, please make sure to remember this diagram. Okay, on the behalf of this diagram, we will completely understand human digestive system. Human digestive system जो होता है 6 to 7 कंटेंट से मिलके बना होता है. पहले देख लो, जैसे माउथ है, जैसे आप फूड यहाँ पे इनटेक करोगे, देन फेरिक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, एंड लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये सभी क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. हियर वी विल कवर डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द ग्राफिक्स. ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वर्क कैसे करता है. चलो देख लेते हैं. आपको यहाँ पे ह्यूमन बॉडी दिख रही है. ये रहे डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गेन. सबसे पहले माउथ होता है जो कि फूड को इनटेक करता है और वेरियस सेगमेंट में डिवाइड करता है. आगे देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. फिर माउथ है, पेनक्रियाज है, एसोफेगस है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है. सबसे पहले आप फूड को क्या करोगे, ईट करोगे, देन ये फ्लाइबा में मिक्स होगा. फ्लाइबा आपके टंग में प्रेजेंट होता है. देन थ्रू द टीथ जो फूड है वो वेरियस सेगमेंट में, वेरियस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एंड देन ये इंटर कर जाएगा फेरिक्स में. यहाँ पर आपको दिख रहा है फूड जो है फेरिक्स में इंटर कर गया. ओके, देन आपको ये ट्यूब दिख जाएगी जिसे हम बोलते हैं एसोफेगस. एसोफेगस से होते हुए ये आपके स्टमक में पहुँच जाएगा. स्टमक में यदि हम बात करें तो यहाँ पे HCl आपको मिल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टमक में ये पहुँच रहा है. आगे देखते हैं, यहाँ पे फूड क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, चलो फर्स्ट पहले ये पहुँचेगा, रीच करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमने देखा था ना, इंटेस्टाइन जो होती है वो दो पार्ट में कैटेगराइज होती है. जेजुनम में आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसको रीच किया फूड ने. एंड देन आपको यहाँ पे लेबर मिल जाएगा, पेनक्रियाज मिल जाएगा और डियोडेनम मिल जाएगा. चलो ओके, तो ये प्रोसेस जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं इन अ फूड डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम. इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको माउथ में यहाँ पर दो चीज़ें दिखेंगी. सबसे पहला कौन सा, ब्यूकल कैविटी है. ओके, यहाँ पे आपको ये अपर पार्ट ऑफ द माउथ में आपको अपीयर होगी. एंड देन आपको ग्लैंड मिलेगी. और ये ग्लैंड का काम क्या है, वर्क क्या है, मेनली जो सलाइबा होता है ना, जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, वो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड में अवेलेबल रहेगा. ओके, इस इमेज को ध्यान से देखना. और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ओके, रेक्टम है और एनस आपको सबसे लोअर टिप में मिल जाएंगे. चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. फूड डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है. माउथ में मेनली यदि हम बात करें तो आपको मिल जाएगा बुकल कैविटी से स्टार्ट होता है. देन आपको फूड पाइप मिल जाएगा जिसे हम एसोफेगस भी बोलते हैं. स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. ओके, और फिर देन फूड एंड कहाँ पे होगा, रेक्टम में पहुँचेगा और एनस के माध्यम से हमारी बॉडी पे रिलीज कर दिया जाएगा. एंड व्हाट द मीन ऑफ एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देख लो. जो डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब समझो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, वो सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलके एलिमेंट्री कैनल का फॉर्मेशन करते हैं. दिस इज कंप्लीट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट हम बात कर देंगे द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी की. थैंक यू फॉर वॉचिंग ईडी एक्सप्लेन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन.